हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स और मैं हूं रवीश। और बात करते हैं बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली की, जो अब जनवरी तक बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने रहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि सौरव गांगुली का कार्यकाल बहुत पहले खत्म हो गया है, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अब जनवरी में सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेट रिफॉर्म से संबंधित सभी मामलों को लेकर राज्य क्रिकेट संघों द्वारा दायर इंटर कॉलेटरी याचिकाओं की पर्याप्त संख्या का निपटारा किया, लेकिन बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली, सचिव जय शाह और सह सचिव जयेश जॉर्ज के पद पर बने रहने से संबंधित याचिका पर सुनवाई अगले साल जनवरी तक के लिए टाल दी गई। इनका कार्यकाल कुछ महीने पहले खत्म हो चुका है। बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन की मांग की गई है, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त लोढ़ा समिति द्वारा बनाया गया है। कोर्ट ने अब इस मामले पर सुनवाई की तारीख जनवरी में तीसरा सप्ताह तय किया है। बीसीसीआई ने अपने संविधान में संशोधन की मांग की, जिस पर बुधवार को सुनवाई नहीं की गई। केवल सौरव गांगुली नहीं, बल्कि सचिव जय शाह और संयुक्त सचिव जयेश जॉर्ज भी अपने पद पर बने रहेंगे और जनवरी के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आगे कंटिन्यू करेंगे या नहीं। बीसीसीआई के अध्यक्ष पद पर रहते हुए सौरव गांगुली ने काफी अच्छा काम किया है। कई नई चीजें की गई हैं, जिसका भारतीय क्रिकेट को फायदा पहुंचा है। सौरव गांगुली की टीम ने भारत में पहले डे नाइट टेस्ट मैच का आयोजन किया, इसके बाद कोरोना संकट में आईपीएल का आयोजन कराया। भारतीय टीम पहली बार ऑस्ट्रेलिया में डे नाइट टेस्ट मैच खेलने जा रही है। सौरव गांगुली पिछले साल 23 अक्टूबर को बीसीसीआई अध्यक्ष चुने गए थे। उनके पास 278 दिन बचे थे, क्योंकि वो बंगाल क्रिकेट संघ यानी सीएबी में भी रह चुके थे। वो सीएबी में जुलाई 2014 में थे, इसलिए बीसीसीआई में उनका कार्यकाल 26 जुलाई 2020 को खत्म हो गया। बीसीसीआई के मौजूदा सचिव जय शाह 8 सितंबर 2013 को गुजरात क्रिकेट संघ के संयुक्त सचिव चुने गए थे। इससे पहले भी वो जीसीए के कार्यकारी थे, इसलिए उनका कार्यकाल भी खत्म हो चुका है। बीसीसीआई के मौजूदा संयुक्त सचिव जॉर्ज 5 साल तक केरल क्रिकेट संघ के सचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष रह चुके हैं और वो बीसीसीआई में बतौर संयुक्त सचिव 1 साल पूरा कर चुके हैं। तो बीसीसीआई की जो एजीएम है वो 24 दिसंबर को होगी और अब ये क्लियर हो चुका है कि ये सौरव गांगुली की अध्यक्षता में ही होगी। इसमें 2021 वर्ल्ड कप के बारे में कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे। बीसीसीआई के नए संविधान के मुताबिक उसके अधिकारियों को बीसीसीआई में या किसी राज्य संघ में, दोनों को मिलाकर लगातार 6 साल बिताने के बाद कूलिंग ऑफ पीरियड में जाना होता है। कूलिंग ऑफ पीरियड बिताने के बाद वो शख्स दोबारा 3 साल के लिए लौट सकता है। ये उन 7 नियमों में से एक है जिन पर बदलाव की मांग की गई है। तीनों अधिकारी हालांकि अभी बोर्ड में हैं, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इन सभी ने सुप्रीम कोर्ट में बीसीसीआई संविधान में 7 बदलाव करने की अपील की है। ये सभी खास तौर पर नियम 45 से छुटकारा चाहते हैं, जिसके तहत बीसीसीआई के लिए अनिवार्य है कि वो किसी भी तरह का सुधार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी ले। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं।